चीन और भारत के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच खबर आ रही है कि चीन ने भारतीय सीमा में एक गांव बसा लिया है। अब इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सफाई जारी की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर पिछले साल से ही बुनियादी ढांचा निर्माण करने की गतिविधि शुरू की थी। इसके जवाब में भारत सरकार भी अरुणाचल प्रदेश में बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए काम शुरू कर चुकी है। इसमें सीमा के साथ साथ स्थानीय आबादी को भी जोड़ा गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार अरुणाचल प्रदेश सहित अपने नागरिकों की आजीविका में सुधार के लिए कटिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों पर सरकार नजर रखती है और अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय उठाती है।